अपने स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा और आज मैं बात करूंगा टेंटेक्स फोर्ट और टेंटेक्स रॉयल के बीच के डिफरेंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मेल भी आए थे, जिसमें पूछा गया था कि सर टेंटेक्स फोर्ट और टेंटेक्स रॉयल के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सा बेहतर है, टेंटेक्स रॉयल बेहतर है या टेंटेक्स फोर्ट बेहतर है, और दोनों को साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मेल आए थे, तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह से टेंटेक्स फोर्ट और टेंटेक्स रॉयल के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करूंगा, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो अगर आप जानना चाहते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो हो सकता है आपके सारे क्वेश्चंस का सवालों का जवाब आपको मिल जाए। फिर भी अगर कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करें, मेल करें, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले जानते हैं टेंटेक्स फोर्ट और टेंटेक्स रॉयल है क्या। टेंटेक्स फोर्ट और टेंटेक्स रॉयल दोनों ही सेक्सुअली डिसऑर्डर को खत्म करने की एक मेडिसिन है। दोनों मेडिसिन आयुर्वेदिक है, यानी दोनों मेडिसिन में एक से अधिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है बनाने के लिए। दोनों का निर्माण हिमालय ड्रग कंपनी के द्वारा किया गया है। दोनों बहुत ही चर्चित मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है सेक्सुअल डिसऑर्डर में। यहाँ पे मैं केवल दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में ही बात करूँगा। अगर आपको दोनों का सेपरेट वीडियो देखना है, अलग अलग वीडियो देखना है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको दोनों के इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखना है तो आप ब्लॉग में भी देख सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर के आप इसको देख सकते हैं। टेंटेक्स रॉयल और टेंटेक्स फोर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टेंटेक्स फोर्ट जिस सेक्सुअली डिसऑर्डर को ख़त्म करता है, मोस्टली वही सेक्सुअली डिसऑर्डर को टेंटेक्स रॉयल भी ख़त्म करता है। टेंटेक्स फोर्ट आपके इच्छा परफॉर्मेंस को, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, यानी सेक्स परफॉर्मेंस को बढ़ाता है टेंटेक्स फोर्ट टेंटेक्स रॉयल। टेंटेक्स फोर्ट और टेंटेक्स रॉयल लो लिबिडो को भी ख़त्म करता है, यानी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। टेंटेक्स फोर्ट और टेंटेक्स रॉयल आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ख़त्म करता है। दोनों ही सेम सेक्सुअली डिसऑर्डर में वर्क करता है, लेकिन टेंटेक्स रॉयल आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है, जो टेंटेक्स फोर्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मोस्टली एक ही डिफरेंस है टेंटेक्स रॉयल में। अगर आपके शरीर में स्पर्म काउंट की संख्या कम है तो आप टेंटेक्स रॉयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं दोनों में से कौन सा बेहतर है, टेंटेक्स फोर्ट बेहतर होगा आपके लिए या टेंटेक्स रॉयल बेहतर होगा। मैंने पहले ही बताया है दोनों ही सेम सेक्सुअली डिसऑर्डर को ख़त्म करता है। अगर आप में स्पर्म काउंट की संख्या कम है तो आप टेंटेक्स रॉयल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर से सलाह लेकर। अगर आप में स्पर्म काउंट की संख्या कम नहीं है तो आप टेंटेक्स फोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें अश्वगंधा के साथ साथ शिलाजीत, बाला, सभी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है टेंटेक्स फोर्ट में। अगर आप में स्पर्म काउंट की संख्या कम है तो आप टेंटेक्स रॉयल का इस्तेमाल करें। अगर आप में स्पर्म काउंट की संख्या कम नहीं है, आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो लिबिडो और इच्छा शक्ति से परेशान हैं, तो आप टेंटेक्स फोर्ट का इस्तेमाल करें। बहुत सारे क्वेश्चन आया था कि सर हम दोनों को साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं इसका सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों ही सेम सेक्सुअली डिसऑर्डर को ख़त्म करता है, सेम सेक्सुअल डिसऑर्डर को ख़त्म करता है। अगर आप दोनों का साथ में इस्तेमाल करते हैं तो ये हाई डोजेज में चला जाएगा, इसलिए आप दोनों का इस्तेमाल साथ में ना करें। और बेहतर होगा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे आप अपने प्रॉब्लम के बारे में शेयर करें और वहाँ से आप डोजेस का इस्तेमाल करें, डोजेस को पूछें अपने डॉक्टर से। अगर आप डोजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सेपरेटली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।